आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं अनिल कुमार जी। बताइए सर, आयोजन किया गया है सर, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए 4, 5, 6 जुलाई को प्रशिक्षण शिविर राजगीर में आयोजित किया गया है, जहाँ से पूरे बिहार से लोग आएंगे, प्रशिक्षण लेंगे, कैडर क्लास लेंगे, बाहर से लोग आएंगे क्लास देने के लिए लेंगे, और उसके बाद गांव-गांव में जा कर के लोगों को कैडर क्लास देंगे, लोगों को बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताएंगे, इसके संस्थापक क्या सोच था उसके बारे में बताएंगे, बाबा साहब कैसा भारत बनाना चाहते थे उसके बारे में बताएंगे, और जब बनेगा निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का जो झंडा है नीला, वो नीला बिहार हम करना चाह रहे हैं। ये 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई 3 दिनों का प्रशिक्षण शिविर है और इस 3 दिनों में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी अपनी बहनों को चाहता है कि हमारी बहन प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बन करके देश का नाम रोशन करे, देश को रोशन करे, देश बाबा साहब के संविधान से चलाए, दलितों के हित में जो आज दलित विरोधी जो फैसले हुए हैं उनको बदले, बहुजन के हित में फैसले करके और देश को गंगा जमुना तरजीब से आगे ले जाए। कहीं कहीं ना कहीं एनडीए में जाने की या महागठबंधन की जाने की तो तैयारी नहीं है? नहीं नहीं, इन गठबंधनों से कोई मतलब नहीं है बहुजन समाज पार्टी को। ये गठबंधन नहीं, जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, गठबंधन और महागठबंधन, ये दोनों ठगबंधन हैं। इसमें बहुजन समाज पार्टी कभी भी जाने का कोई सपना नहीं देख रहा है, न कभी जाना चाहता है। बहुजन समाज पार्टी अपने बहन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प ले चुका है और इसके कार्यकर्ता गांव-गांव में जा करके लोगों को जागृत करेंगे। बहुजन समाज पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा 2024 में? कितने? बिहार के 4,400 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम बिहार के 4,400 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। जी कल का कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जो शिक्षक नियमावली है उसमें करके निर्णय लिया गया कि जो अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं, इसमें इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ये बिहार के अहित में फैसला है, बिहार के तमाम युवाओं के, तमाम युवतियों के अहित में फैसला है और इससे बिहार का अहित हुआ है, कभी भी हित नहीं हो सकता है। ये नीतीश कुमार जी का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है, उस सपना के चलते बिहार को फिर लोगों के लिए खोलें, और ऐसे फैसले से बिहार कमज़ोर हुआ है, बिहार के युवाओं का मनोबल गिरा है और हम बहुजन समाज पार्टी इस फैसले का विरोध करती है। तमाम जो विपक्षी लोग हैं बैठक में, तमाम विपक्षी लोग बुलाए गए थे जिनको जो बैठक हुई थी उसमें बुलाया गया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को नहीं पूछा गया था क्या कि उस विपक्षी बैठक में शामिल नहीं हुए थे? क्या नहीं, हम लोग पहले से भी स्पष्ट हैं कि हम अपनी बहन को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, अगर इन्हें आप समर्थन देना चाहते हैं तो आइए, हम किसी और के लिए हम आपके पीछे नहीं खड़े हो सकते। ये थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।